हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहलाग अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरू बिरथवाल देवभूमि उत्तराखंड के हिल स्टेशन बिरथी फॉल से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है मॉर्निंग से, और काफ़ी खूबसूरत सा आज का दिन है। अगर मौसम की अगर आपको अपडेट दूँ तो आज भाई पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम बेहद खूबसूरत, बेहतरीन और हल्का फुल्का, पहाड़ों पर ठंडक भी बढ़ने लगे हैं। तो इसी के साथ साथ आज के व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं, तो देखें क्या रहता है। तो आज हमारी बिट्टू रानी को हम खाना खिलाने वाले हैं। हाँ पापा, खाना खाएगा तू? आज बहुत उतावली थी ना तो खाना खाने के लिए, आज खाना खाएगी जी भर के, ठीक है। और ज्योति के लिए हमने कुछ इस तरीके से तैयारियां कर रखी है यहाँ पे, और खाना खाने के दिन कुछ उठाते हैं ना बच्चे, तो इस तरीके से हमने तैयारी कर रखी है। सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये नोट, किताबें, चॉकलेट नहीं लाए यार, हाँ मिठाई रखेंगे, और गुब्बारे, फूल, तो कुछ इस तरीके से, और पकवान में हमने बना रखे हैं ज्योति के लिए मस्त मस्त खाना, और यहाँ पे भगवान जी का खूब सुरक्षा मंदिर। तो चलो देखते हैं अब क्या करती है। तो ज्योति के लिए मैंने यहाँ पे अपना गोबरो भी रख रखा है, तो देखते हैं गोबरो पकड़ेगी तो खतरनाक यूट्यूबर बनेगी या फिर वीडियो वायरल होंगे। और कुछ इस तरीके से है व्यवस्था, और पापा अभी कर रहे हैं मस्त करके पूजा। तो पूजा पाठ करने के बाद ज्योति को खिलाएंगे हम खाना। तो बिट्टू रानी के कपड़े तैयार थे, दीदी ने बनाए कल ही, और पहना के हमने बिट्टू को तैयार भी कर दिया है। बड़ी क्यूट सी लग रही है ना पापा, हाय हाय छबाज। तो बाबू की अब पूजा चल रही है, तो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के बाद फिर ज्योति को खिलाएंगे। और ज्योति के भोजन में ना, भोजन खिलाने में आमंत्रित हैं ज्योति के सब दाजू लोग। तो ज्योति के सब दादा लोग आ रखे, सबसे बड़ा दादा, फिर छोटा वाला दादा, और सबसे छोटा दादा नैतिक। नैतिक इधर आओ मामू, इधर आओ। तेरे को तो निमंत्रण किया है, क्यों नहीं आ रहा है? तू इसे है नहीं होती, बसो। किसने बुलाया तुम लोगों को? गुल्ली ने, वही तो यार। खाना खाने से पहले ज्योति का मस्त आरती हो रहा है मंदिर में, देख रहे हो। जय हो भगवान, हे लाटू, हे देवी, हे वाणु, हे, हाँ पकड़ पापा, पकड़ लाटू महाराज, सर्व देव देवाय, ओ निराजनम समय, निराजनम समय, ये भी बुझ को ही है। तो अब ज्योति को खाना खिला रहे हैं। ओ खा 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 छाबाज, जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान, खा 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 छाबाज, गुड, ओए होए होए होए, गुड। ज्योति खाना खा रही है, और नैतिक मामू लोग, गीता दीदी, मम्मी और मैं दर्शक हैं। जय हो, खा पप्पा, छाबाज, गुड 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 गुड। बहुत खाना खाना कर रही थी ना, खा। अच्छा बात, अच्छा बात, नहीं चबा पा रही है, चबा चबा दांत ले आ गान। तो चलो खिलाओ खिलाओ, खाना खिलाओ, ताली बजाओ, ये ताली बजाओ बच्चों, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अब इसको कंगन पहना रहे हैं, चांदी के कंगन, ओह ज्यादा बड़े हो गए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो चलो अब देखते हैं ज्योति क्या पकड़ती है। धन धन दौलत पकड़ती है या किताब पकड़ती है? सुना माओ हम लो, यो खजाना वाल, हेलो, सब साइड कर लान तेले। ए मत कर नैतिक, तू मत कर, तूने पकड़ दिया आपने दिन। अच्छा फूल, अच्छा फूल की तरह महकेगी, जाएगी जाएगी रोड़ती वहां, अभी जाएगी, अभी चलो पापा फटाफट पकड़ो। हाँ हम अब हम किताब हम लो जो खाले लग गए, सब चीज हम उन सारा मेरा है। तो अभी
सारा माल ज्योति का अभी पकड़ा, पकड़ में नहीं आया उसके नैतिक, तू भी पकड़ेगा एक बार उन क्या हो भाई खाई इनमें बीन रख दिया ना फिर नियमों पे डटे लीले को क्या नहीं हुआ ना ना कुछ नहीं होगा उसको क्या पसंद आया है निकाल बाबू निकाल तो कुछ तो निकाल भला फौजे लागणा कोणे मावी भगवान भक्त थे फूल हमारा हां वो तो है ये तो पकी है इसमें तो कोई शक नहीं है ना पकड़ तो कुछ तो पकड़ बाबू फूल है मैं जड़ गाद ले फूली पकड़ा गिर गया पकड़ो 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 हमून बल फूल लो हमून बल नोट लो फूल लो हमूड़े हो मावला हमें ओ बाबा मावला होले मेरे हो ओ तेरे हो बाबू होले तेरे हो होले तेरे हो आ हम ओहो होले तेरे हो ओ सांदीले तेरे हो बाबू शाबाश ओहो नोट ले तेरा हन चलो चलो सब पका सारा माल ज्योति का ओ शाबाश लुगा लुगा सारा माल ज्योति का खाल गदी पापा सब नसले हमें आप यहाँ किताब ले लाइ हो शाबाश होले तेरा रहो होले तेरा हो पापा होले तेरा हो अब ऐसे नहीं होता जो होना था हो गया है सब पता तू लो हम फूल छड़ी बस सब में फूल छड़ी सब काम कर दिया अच्छा बाबू बहुत चलो सब कुछ ज्योति का चलो बढ़िया हो गया लास्ट में हो चाहिए सुख शांति जय हो। तो सारा माल जो दिख रहा है सब फूल भी पकड़े रुपया भी पकड़ा सोना चांदी पेंसिल कटर पटर सब ये फूल चुले लाश में शांति शांति तो सब खुश हो गए। कैसा लगा नैतिक तूने क्या पकड़ा था जिस दिन तेरे को खाना खिलाया पेंसिल पकड़ा था अच्छा दिव्यांश ने क्या पकड़ा इसने भी फर्स्ट पेंसिल ही पकड़ा है लेकिन हाथ नहीं आया इसके लेकिन सारा माल इस ज्योति का उनके पास सब बुड़ो सब मिल जुन बल सब ज्योति का खाना और खिलाओ इसको पेट भर खिलाओ आज तो चलो ज्योति ने खाना भी खा लिया है बड़ा अच्छा लगा और जो ज्योति ने पकड़े है ना भाई सब मैं पकड़ूंगी वाले और किसी को नहीं देने वाली है तो बड़ा अच्छा लगा और सभी लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी ज्योति का खाना खाना और जो भी आगे सामग्री रखी जाती है उसको पकड़ना अच्छा लगा होगा और ज्योति अभी भी खा ही रही है गुड गर्ल। तो ज्योति को खाना खिलाया ही था और इसी के साथ 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 में देखो भाई बारिश भी आ गई है तो कहते हैं कि जब किसी भी शुभ काम में अगर बारिश आ जाए ना तो देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है कुछ इस तरीके से कहा जाता है। तो ये देखो भाई मस्त तो बारिश लगी है अभी लगी जय हो प्रभु चम्मच रुमाल अब मामा की बारी उसको भी देना बाय नैतिक बाय उनको भी देना एक एक भाग गया चलो खा पापा शाबाश तो चलो ज्योति को खाना भी खिला दिया है और अब बारी है
हमारी, क्योंकि हमने भी सुबह से नहीं खा रखा है, भूख लगी है और क्या क्या बना रखा है चल बता, तू बता दी चल। तो आज बना है आलू के गुटके, चटनी, खीर, पूरी, आलू पोहाक, भात। और ज्योति तू क्या खाएगी? ये हमारे न्यूती और ये हमारे न्यूती। अभी दिन के बजे हैं 2 और हम गए हैं गिरगांव। और भाई अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो ही रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था दिन में बारिश भी कंटिन्यू बारिश है। और गिरगांव से अखंड रामायण का निमंत्रण आया था, नामकरण जो बोल रहा हूँ। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, पापा, दीदी, मैं, पीयूष वगैरह। तो बाबू लोग तो कहीं ऊपर पहुँच गए हैं ये, और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। और अपना गांव उधर है, बारिश और बढ़ गई भाई, आज ये बारिश कांड करेगा लग रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे और शायद अभी आरती वगैरह चल रही है। जय हो भगवान। फाइनली प्रसादी वगैरह मिलने के बाद अब सभी लोग, जितने भी श्रद्धालु आए थे, सबसे पहले श्रद्धालुओं को खाना खिलाया जा रहा है, फिर उसके बाद गांव वाले खाएंगे। तो चलो अब खाना खा लेते हैं। धन्यवाद यार राहुल भैया, भटी भांजाई मतलब आप भैया कौन हो। चलो ठीक से ठीक से, तो फटाफट से अब खा लेते हैं। तो अब हलवा आ रहा है, वाह। तो घर जाते टाइम ना मंदिर का प्रसादी वगैरह दिया जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद, जय हो भगवान। तो अब चलते हैं घर की ओर। और ये रहा मंदिर परिसर हरसिंह बाबा जी का। अभी है शाम का समय और शाम के बजे हैं अभी 5:30 और हल्का फुल्का भाई देखो कितना ज़्यादा अंधेरा होने लगा है। लगभग 6 बजे आजकल ना अंधेरा हो ही जा रहा है और बारिश आने के कारण ना ठंडा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वाटरफॉल से इतनी ठंडी ठंडी खतरनाक हवाएं आ रही हैं मैं आपको बता नहीं सकता। तो अभी का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो ये नज़ारा अभी का आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और ढलती हुई धूप के साथ ना बादल भी पूरे लाल हो चुके हैं, देख रहे हो। तो दुकान से मैं घर आ गया हूँ और खाना खाने के बाद अभी हम रेडी हो चुके हैं रामलीला देखने के लिए। तो आज क्विटी पे पहली रामलीला है और मैं भी पहली बार रामलीला देखने के लिए क्विटी जाऊंगा, क्योंकि आज तक भाई मुझे 29 साल हो गए हैं, आज तक कभी भी मैंने क्विटी की रामलीला कभी भी नहीं देखी। तो आज पहली बार मैं क्विटी की रामलीला को देखने के लिए जा रहा हूँ पापा के साथ, और साथ ही में ज्योति नहीं आएगी क्योंकि अभी छोटी बच्ची है, ठीक है। तो पिताजी और मैं अभी जाने वाले हैं रामलीला। तो अब सीधे आपको मिलते हैं रामलीला पे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्विटी की रामलीला पे और इस जगह पे है रामलीला का पंडाल बना हुआ है। अधिक से अधिक संख्या में इस मंच पर आने का कष्ट करेंगे और
इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। रामलीला आज का जो प्रथम दिवस का कार्यक्रम है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ कि आज सबसे पहले नटी सूत्रधार का प्रवेश होगा। रावण की कमी हो गई। रावण और नारद जी का संवाद। लंकेश का प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। कहो लंकेश, कुटुंब सहित कुशल से तो हो? तुम्हारे वर की परीक्षा तभी होगी जब तुम शिव पार्वती सहित कैलाश पर्वत को लंकापुरी में पहुंचा दो। नारायण नारायण नारायण। भाई साहब हंसी तो तगड़ी है। हे मुनिश्रेष्ठ, कैलाश आपके प्रभाव से मुझ में किसी बात की कमी नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत उठाना तो क्या, सात कोण कर पृथ्वी में पटक सकता हूं। श्री ब्रेन बिरथाल जो समाज सेवी के रूप में हम पृथ्वी, उनसे भी आग्रह है कि वे आगे आने का कष्ट करेंगे। और हमारे पूर्व प्रधान कुटी के श्री हरीश सिंह जंगपांगी जो इस कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और कुटी के पूर्व प्रधान भी हैं, उनसे भी आग्रह है कि वे मंच पर आगे आने का कष्ट करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां पूरे 11 दिन निभाने का कष्ट भी करेंगे। साथ ही यतन सिंह जी हमारे बीच क्षेत्र पंचायत कुटी के जो हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो ये आगे आने का कष्ट करेंगे। और श्री कुंदन सिंह मतवाल जी जो यहाँ पर पशुपालन विभाग पशुधन का जिम्मा संभाल रखा है क्विटी क्षेत्र में, उनसे भी आग्रह है कि वो भी आगे आने का कष्ट करेंगे। और दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों से आग्रह है कि वो तालियों से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि अतिथि देव भव कहा गया है, तो उनका स्वागत हम तालियों से करें। एक नाम यहाँ पर भी और कर रहे हैं, बीरेन सिंह बिरथाल जी जो एयरफोर्स पर काम करते हैं, पुत्र श्री चंचल सिंह बिरथाल जी निवासी बिरथी, उनसे भी आग्रह है कि वो भी मंच पर आगे आने का कष्ट करेंगे। हाँ, वो अभी नाम इनका यहाँ से बताया था, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में, इस रामलीला की यज्ञ भूमि में, क्योंकि राम भक्ति बहुत बड़ी भक्ति है। इस त्रेता युग में जितने भी आपने देखे थे अभी शक्तियां, रावण कुंभकर्ण विभीषण सब त्रेता युग में अपने तप बल से उन्हें शक्तियां प्राप्त की थी, तपस्या से ही शिव की भक्ति उन्हें ऐसी कर दी, क्योंकि जो राक्षसी कुल है उन्होंने शक्तियां जो प्राप्त। मायावी होते हैं मनुष्य को तो क्या, राक्षसों को भी चैन से नहीं जीने देते। इसे अब हमें भी भरसक कोशिश करनी चाहिए कि नदी कष्ट देने का उपाय करें।
शादी हीरा मणि क्या क्या लिखा है बताओ। महाराज ना इस घड़े में सोना है ना चांदी है ना हीरे है ना जवाहरात, इस घड़े में आपके वंश की विनाश की कुंजी है। अच्छा तब तो जाकर इसे जनकपुरी में गाड़ के आओ, उन्हीं का प्यास हो। जाके महाराज तो रामलीला देखने में काफ़ी आनंद आ रखा है और धीरे धीरे भीड़ भी काफ़ी बढ़ चुकी है। फर्स्ट में जब हम आए थे बहुत ही कम लोग थे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ आ गई। जो भी रामलीला के पात्र हैं ना, बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। सबसे भयंकर मज़ा मुझे रावण मार रखा, आपको किस में ऐसा मज़ा लगा, मुझे सभी कलाकारों को मंचन करते हुए बहुत अच्छा लगा। सबसे तगड़ा वाला मज़ा किस में आया, सबसे अच्छा रावण का अभिनय बहुत खतरनाक वाला चल रहा है अभी तक का। अभी तक रावण फर्स्ट नंबर में है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से रामलीला का मंचन हो रहा है और पब्लिक अभी कम है, फर्स्ट दिन ना इसके हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है भाई। बहुत ज़बरदस्त रामलीला होती है। और एक बार फिर से बता दूँ, ये रामलीला क्विटी की है, जो कि रामलीला कमेटी क्विटी के द्वारा कराई जा रही है। तो रामलीला देख के फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर, और काफ़ी ज़बरदस्त रामलीला अभी चल रही थी। तो बाबू और मैं पहुंच चुके हैं घर, गिरिली ने खोल दिया है द्वार, और आज की इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल।